हमारे लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। आपकी पॉलिटिकल पावर के ऊपर कैप्चर करने की वो चल रही है, आपके रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो पूरा इनका कंट्रोल हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम आपका कल्चर चेंज हो जाएगा पूरा, मतलब एक पूरे का पूरा जो है इन द लॉन्ग रन ये एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। इट्स गोइंग टू बी बहुत आगे बड़ी आने वाली समस्या। जन आगे आने वाली जनरेशन के लिए कितना बड़ा थ्रेट है ये? आपकी आवाज नहीं है ये आपकी थ्रेट है प्रेजेंट जनरेशन के लिए, बहुत बड़ी थ्रेट है, आने वाली के लिए तो है ही है। ये नहीं है कि हमारे लिए थ्रेट नहीं है, ये प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ी थ्रेट है ये, और आने वालों के लिए तो है ही है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत से लोग जो हैं वो बेचारे घूम रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। जब आपके रिसोर्सेज के ऊपर दूसरों का कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, पॉलिटिकल पावर के ऊपर दूसरों का कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, तो फिर नेचुरली ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट जनरेशन को इसको मानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उनको खुद इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्व इन द सेंस दे मस्ट इन्फॉर्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और उस खुद सतर्क रहें कि इस प्रकार के लोग उनके आसपास में ना हों, लेकिन करते नहीं है। आप किसी भी मंडी में चले जाइएगा, आपको 90% लोग जो है वो मिलेंगे जिनके ऊपर आपको शक होगा कि ये लोग हिंदुस्तान के नहीं है। लेकिन आप जी उसके अलावा आप क्या कर, क्या आजकल तो यूपीआई का है, द मोमेंट आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपको पता चल जाता है कि आपने किसको पेमेंट किया है। तो वो एक यहाँ तक कि यूपीआई अगर उन्होंने कर लिया है तो अब तो आपकी इकोनॉमी में तो घुस ही गए हैं, कि किस प्रकार से आपके सिस्टम में भी आ गए हैं। गाड़ी साफ तो करने इसको वालों के एड्रेस पास है करने का, सबके पास यूपीआई? यूपीआई तो यहाँ पर आप सब्जी मंडी में जाइए किसी दिन, आप पता नहीं कहाँ से सब्जी खरीदती हैं, लेकिन आप रेडी वाले के पास में जाइए, उसको हाँ बोलिए सबके 2 किलो पास है। आलू दे देगा, और आप पेमेंट करिएगा उसको यूपीआई से, तो आपको पता चल जाएगा कि किस नाम से आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो देखिए वो ऑलरेडी, मैं मेरा कहने का मतलब है कि ये ऑलरेडी काफी पेनिट्रेट हो चुका है, और पेनिट्रेट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स का उन्होंने फायदा उठाया है और वो चल रहे हैं। तो ये और अंत तो में जी यही है कि इस समस्या को जिस तरह से आसाम ने इस समस्या को झेला और वहां की डेमोग्राफी बदली, और आसाम ही क्यों, पूरे देश की बदल चुकी होगी काफी काफी डिस्ट्रिक्ट्स में, काफी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, काफी इलाकों में। तो ऐसे में एक ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि मतलब जिस तरह से ये डेमोग्राफी को इन्होंने बदला बहुत सारे इलाकों में, और ये समस्याएं पैदा, हमारे जो रिसोर्सेस हैं उन पर ये कितना बड़ा एक तरह से प्रेशर है, और तमाम तरह की जो ये चुनौतियां पैदा कर रही हैं या आगे पैदा करेंगे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ये एक बोझ है। देखिए असम में काफी स्टडीज हो चुकी हैं, आप उसी को एक केस स्टडी ले लीजिए। चलो असम का तो हिस्टोरिकल वो रहा है कि जी पहले आपकी भी आवाज वहां, हाँ नहीं मैंने कहा असम एक अलग एग्जाम्पल है, दैट इज वन एक्सट्रीम एग्जाम्पल जिसको आप बोल सकते हो, बट हम उसको एज फ्यूचर देख सकते हैं इंडिया का। जो असम जो है, जिस प्रकार से वहां पर ग्रोथ हुआ है और जिस स्थिति में आज असम पहुंच गया है, और जितना मुश्किल उनको हो रहा है इनको आइडेंटिफाई करना, डिपोर्ट करना, सारा कुछ करना, ये फ्यूचर है इंडिया का। ये हमारे लिए एक मतलब एक एग्जाम्पल है, अभी सबके लिए होना चाहिए ये। जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि अगर असम जैसी स्टेट में ये हो गया है और वो कुछ नहीं कर पाए हैं, डिस्पाइट आपका पासपोर्ट एक्ट भी है, आपका इलीगल इमिग्रेशन माइग्रेशन एक्ट है, सारा कुछ होते हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके 10 डिस्ट्रिक्ट्स का टोटल जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो पूरा हो गया है। यही इसको आप एक्सट्रापोलेट कीजिए
और बाकी की जो इंडिया की स्टेट्स हैं वहां पर भी ये सारा कुछ होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो आज नहीं तो कल 20 30 40 50 साल के बाद में ये कंडीशन जो है वो आने वाली हैं। इसको अगर हमने सीरियसली एड्रेस नहीं किया, इसको सीरियसली एड्रेस नहीं किया, और उसको एड्रेस करने का यही है कि एब्सोल्युटली जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको हमको बहुत बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और डेटरेंट जो है वो बड़ा जबरदस्त क्रिएट करना पड़ेगा। वो जब तक नहीं होगा तब तक ये आते रहेंगे, और वो सोच जो है वहां पर चल रही है कि हमको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी क्रिएट करनी है इंडिया के अंदर, वो सोच और ज्यादा रिइंफोर्स हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, फिर शायद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारा तो ये देखिए आप, रोहिंग्यास कहाँ से जम्मू तक पहुंच गए हैं, 5,000 रोहिंग्यास जम्मू तक पहुंच गए हैं। कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? म्यांमार से स्टार्ट हो गए और वो वहां पर पहुंच गए हैं। किन किन रास्तों से पहुंचे हैं किसी को मालूम नहीं है। कोई उन 5,000 की किसी ने स्टडी नहीं करी। भाई आप ये बताइए, उन 5,000 का ही आप एक सैंपल ले लीजिए, ये तो रिकॉग्नाइज्ड है ना, आइडेंटिफाइड है, वो एक कॉलोनी के अंदर बैठे हुए हैं, रोहिंग्याज हैं। लेकिन अब क्योंकि वहां पर भी पॉलिटिक्स चल रही है, भाई ये तो लोग जो हैं वो बेचारे मारे गए हैं वहां पर, उनके अगेंस्ट में एट्रोसिटीज हुई है, वो ठीक है, आप उसी को एक केस मान लीजिए कि यार ये कहाँ से चले और जम्मू तक पहुंच गए। क्या हमने कभी सीरियसली स्टडी किया इसका कि क्या मेथड अडॉप्ट किया इन लोगों ने, क्यों डिटेक्ट नहीं हुए हमारे सिस्टम में, कहाँ हमारे लूप होल्स हैं, कैसे कैसे क्रॉस किए, कहाँ से क्रॉस किए, किस डेट को क्रॉस किए, उन लोगों के अगेंस्ट में कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो अगर इस प्रकार से चलता रहेगा, रिसर्च करने वाले लिखते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं होगा, तो फिर उसका करने का कोई फायदा नहीं है। अब समय है जब वी हैव टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, मतलब जो जितनी थ्योरी थी वो हो गई है, अब कोई डाउट नहीं रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं, इनसे हमको क्या थ्रेट है। ये जब सारी चीजें क्लियर हैं और उसके बावजूद हम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब वो कथनी और करनी में बहुत फर्क हो जाता है। फिर कोई सीरियसली नहीं लेता हमको, कोई सीरियसली नहीं लेगा, इलीगल इमिग्रेंट ही सीरियसली नहीं लेगा, दूसरे देश तो क्या सीरियसली लेंगे हमको। एक अजीब सा लग रहा है कि जैसे मजाक चल रहा है। मतलब क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में, और जब इनको हटाने की बात आती है, इनको आइडेंटिफाई करने की बात आती है, तो ये कह दिया जाता है इसको सांप्रदायिक, जानबूझकर इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है, जानबूझकर, ताकि ये पूरा जो कोशिश है वो हाईजैक हो जाए। और आसाम के, मुझे अगर याद है कि मैंने एक रिसर्च जब मैं कर रही थी तो मैंने एक कोट जरूर पढ़ी थी एक वहां के अखबार के एडिटर की, कि जिसका ये कहना था कि ये मसला हिंदू या मुस्लिम मसला नहीं है, ये मसला ये है, इसको जानबूझ के ऐसा रंग दिया जाता है जिससे कि ये पूरी कोशिशें जो है वो कामयाब ना हो पाए इनको आइडेंटिफाई करने की और इनको वापस भेजने की और इनके खिलाफ एक्शन लेने की। ये मसला ये है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन अवैध घुसपैठिया, इस छोटी सी बात पर फोकस करने की कोशिशों को रोका जाता है और जानबूझकर इसे ये कम्युनल रंग ऐसा है, देने की कोशिश की जाती है वो जब ठीक है, इनके। वो देने वाले तो ये करेंगे। देखिए जो लोग इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो तो सारे रंग देने की कोशिश करेंगे, आपके पूरा करने की कोशिश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी वेरी क्लियर, दिस इज ए थ्रेट, दिस इज ए थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी इन द डेज टू कम, आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो होने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट्स कन्विंस होनी पड़ेंगी, उनको ये रियलाइजेशन आना पड़ेगा। एक बार ये अगर आ गया फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर हैं तो फिर इनके अगेंस्ट में एक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे लोग जो इसको अपोज करते हैं, कुछ करते हैं, उनके जो कंसर्न है आप उनको सुनिए, एड्रेस कीजिए, लेकिन हमारे फोकस में कहीं पर कोई डाइल्यूशन नहीं आना चाहिए। हमारा काम बड़ा क्लियर है भाई, इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको डिपोर्ट करना है, इनको जो भी सजा है वो देनी है, एक डेटरेंट क्रिएट करना है। हमने ये क्रिएट करना है कि इंडिया इज नॉट ए सॉफ्ट कंट्री, ये आपके लिए आसान रास्ता नहीं है कि आप आ जाएंगे और उसके बाद में।
अगर आप ये नहीं करोगे तो वो फिर बातों की बातें रह जाएंगी। हमने आपसे बात करी, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, तो कोई फर्क नहीं। अल्टीमेटली एक्शन तो देखिए हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ही लेना है। जी उनको ये आइडेंटिफाई कराना, उनको रियल जरूरी है कि ये समस्या के ऊपर अब हम सो नहीं सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं हमको एक लॉजिकल एंड के ऊपर लेके जाना है। कैसे लेके जाना है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, मतलब सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, एकेडमिक डिस्कशन होते रहेंगे और ये आते रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई पर्पज नहीं हाँ, है। हाँ, उसका कोई पर्पज नहीं है। और अब ग्राउंड पे एक्शन लिए जाने की जरूरत है, ग्राउंड और पे सख्त हर 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 सख्त लेवल के ऊपर, हर लेवल के ऊपर एक्शन लेने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लेवल के ऊपर है, जो इनको इलीगल को लीगल जो भी बनाता है, फैसिलिटेट करता है, उन सब के अगेंस्ट में एक्शन लेने की आवश्यकता है। उनको रियलाइज कराने की आवश्यकता है कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, देश की सुरक्षा के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप भी इक्वली कल्प्रिट हो। एक आदमी होता है जो डायरेक्टली देश के खिलाफ काम करता है, एक है जो इनको फैसिलिटेट करता है। तो जो इकोसिस्टम को फैसिलिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेंट आ रहा है, उसको भी ही शुड बी पनिश्ड। उसने क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, ही शुड बी पनिश्ड, सिंपल एज दैट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनएस जामवाल जी हमसे बात करने के लिए। फॉर्मर एडीजी बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप एडीजी रह चुके हैं, और आपने काफी लंबे समय तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपना योगदान दिया है। आपके कई रिसर्च पेपर हैं, इस पर आपने काफी डेटा को एनालाइज किया है, स्टडी किया है, इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको समझा है और जाना है, और जिस तरह से आपने एकदम हमारे बॉर्डर्स पर आपने चीजों को ऑब्जर्व किया है, देखा है, मैनेज किया है। आपने एक और बात बोली थी बीच में कि जब बार्ब्ड वायर जब कट जाती है तो वहां पर मौजूद जवान की करियर पर मुश्किल होती है, लेकिन वो उसमें जिम्मेदार तो वहां के जो क्रिमिनल्स हैं वो हैं, लेकिन जब ये अथॉरिटी में, लोकल प्रशासन में जो भी लोग या इनके आई कार्ड फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो इलीगल को लीगल बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। हाँ, वो तो देखिए, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, हमारा तो हाँ नहीं है। वो तो बीएसएफ का, जो जो बीएसएफ का ऑफिशियल है, बीएसएफ वाला है, अफसर है, जवान है, एसओ है, जो भी इन्वॉल्व है, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। इवन चाहे वायर कट जाती है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, चाहे वायर भी कट जाती है, क्यों कट गई? क्योंकि बीएसएफ ने एक सिस्टम डिवाइस किया हुआ है, भाई ये 200 गज का एरिया या 300 गज का एरिया है, ये तुम्हारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम 3 घंटे 4 घंटे जहां पर ड्यूटी दे रहे हो, इस दौरान में कुछ भी अगर हुआ, कोई क्रॉसिंग हो गई, कोई वायर कट गई, वायर कटने का मतलब है कोई क्रॉस कर गया। हम तो ये अज्यूम करते हैं कि वायर कटना इज नॉट ए दिस थिंग, हमारा तो ये अजम्पशन होती है कि अगर वायर कटी है इसका मतलब कोई क्रॉस कर गया है, और तुमको पता नहीं जी चला है। तो अगर पता नहीं चला है और कोई क्रॉस कर गया है, तो आपका आपने अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से नहीं निभाई है, जी तो आपके अगेंस्ट भी, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। या कैटल स्मगलर्स हैं, वो भी आके तार काट देते हैं, क्योंकि उनको कैटल जो है वो अपने क्रॉस कराने होते हैं बांग्लादेश को, तो वो भी आपने अपनी ड्यूटी जो है वो सही ढंग से नहीं करी है। तो हमारे कोशिश रहती है कि कहीं पर भी छोटा से छोटा भी अगर हमको लूप होल मिल जाता है, और हमने ऐसे सिस्टम डिवाइस किया हुआ है कि सुबह के टाइम पर जो कमांडर है वो पूरा चेकिंग करेगा, फिर उसकी रिपोर्ट कंपनी कमांडर को देगा, हमारा इंटेलिजेंस वाला अलग से चेक करेगा, और जो जनरल ड्यूटी वाला वो अलग से चेक करता है, तो इसलिए चीजें छुपा नहीं सकता। वो इंटेलिजेंस वाला बता देगा कि आज तार कटी है, चाहे वो छुपाने की कोशिश करेगा तो वो कहीं कोई स्कोप नहीं है। तो एक सिस्टम डिवाइस किया है कि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके अगेंस्ट में, लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। हमारे जी लिए तो बीएसएफ वालों को अगर आप पूछोगे कि बांग्लादेश बॉर्डर की ड्यूटी सबसे सख्त है, वो पाकिस्तान जी बॉर्डर के ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन हाँ बांग्लादेश बॉर्डर के लिए वो बहुत घबराता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर ड्यूटी बहुत ही मुश्किल है, एक्शन जो है वो लिए जाते हैं।
ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एक्शन लिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि जवानों के ही अगेंस्ट में एक्शन लिए गए हैं। तो जी एक सिस्टम बनाया है और इतना डेटेंट जी नहीं होगा तब तो दिन रात लोग जो है वो क्रॉस करते रहेंगे। तो यही सिस्टम जो है, ये डेटरेंट, सेम काइंड ऑफ ए डेटरेंट हमको चाहिए है कि जो लोग इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं इन इलीगल माइग्रेंट्स को, वो चाहे लीगल जी तरीके से कोई आ रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इलीगल तरीके से आ रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके और उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। आप 2, 4, 6, 10 केसेस को भी ऐसे कर लोगे और एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज आएगा कि भाई अब जो है अगर आपने ऐसा काम किया तो आप भी जेल के अंदर जाओगे। जी वो मतलब ये पूरा, मैं वही कह रहा हूं कि जितना जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आईसीपी के ऊपर जो इमिग्रेशन वाले हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यहां से भी पता चलता है कि इसने जो है वो इनके अगेंस्ट में इसने फैसिलिटेट किया है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए। यहाँ तो 10-10 साल लग जाते हैं एक्शन लेने में ही, फिर कहाँ से एक्शन होगा, उसका जिस कोई तरह इम्पैक्ट ही से, नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसे एफआरओ की जिम्मेदारी है, एफआरओ की जिम्मेदारी है कि जिनको वीजा दिया वो वापस गए या नहीं गए ये चेक करें। यस, तो हैं बहुत से हैं, मतलब काम करना चाहें तो कई चीजें मिल आएंगी उनको करने के लिए। एक ज्वाइंट स्टडी अगर की जाए कि कहाँ कहाँ पर हैं ये सारे स्टेक होल्डर्स, अगर बैठे हैं उसमें पुलिस वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बीएसएफ वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इमिग्रेशन वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, एडमिनिस्ट्रेशन वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ऑनेस्टली कि भाई ये कैसे हमसे कैसे चूक हो गई, कैसे ये डॉक्यूमेंट बना के चला गया। कम से कम जो लोग पकड़े गए हैं और जिनको सजा हुई है उनकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स हमारे पास में होंगी, उनसे हम मैसेज ले सकते हैं कि ये कैसे कैसे हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जी उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, और अगर कोई सिस्टम को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है तो उन सिस्टम्स को आपको प्लग करने की आवश्यकता है, तब जाके ये इसके ऊपर कुछ हो पाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह लीड इंटेलिजेंस एजेंसी के रोल की बात आती है, जी इनका क्या रोल होता है और किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है? देखिए, लीड इंटेलिजेंस एजेंसी कारगिल के बाद से, तब ये एक नेसेसिटी फेल्ट हुई थी कि हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर उस टाइम पर, कुछ आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर को देखा गया था, और ये माना गया था कि क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस वाली, जी तो मल्टीपल एजेंसीज जहां होंगी वहां पर वो इंटेलिजेंस शेयरिंग में दिक्कतें रहती हैं। तो बॉर्डर को जी लेके उन्होंने बोला कि एक तो ये डिसीजन लिया कि वन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होगी, और दूसरा ये लिया गया था कि बॉर्डर्स के अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए, और वहां की जो, क्योंकि बीएसएफ जो है वो फर्स्ट लाइन है बॉर्डर्स को लेके, जो रेकॉग्नाइज्ड, खासकर इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है इसके ऊपर बीएसएफ की जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी बीएसएफ की है तो बीएसएफ को ही लीड इंटेलिजेंस एजेंसी की जो है वो इसका जिम्मा दिया जाए। तो जितनी बाकी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस आईबी है, आरएडब्ल्यू है, स्टेट की सीआईडी है, जी नरकोटिक्स वाले हैं, कोई भी हैं, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेके काम करते हैं, जिनका अपना अपना छोटा छोटा विंग है इंटेलिजेंस वगैरह कलेक्ट करते हैं, ये सब के सब महीने में एक बार मिलके, और उसको जो फ्रंटियर का आईजी है वो उस मीटिंग को चेयर करेगा, और उसमें ये सारी इंटेलिजेंस जो है वो शेयर की जाएगी जो जो भी जिनके पास में होगी। तो वो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन उस सिस्टम में ये जो है इलीगल माइग्रेशन के ऊपर कभी भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आती है, कोई शेयर जी नहीं करता है। बहुत मतलब मैं रहा हूं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी रहा हूं, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी रहा हूं, मुझे कभी भी किसी एजेंसी से इस प्रकार का सुनने को नहीं मिला कि इलीगल माइग्रेशन जो है वो हुआ है, ये उनका मोडस ऑपरेंडी है, इस स्केल के ऊपर जो है वो चल रहा है। नॉर्मली वो जो लीड इंटेलिजेंस एजेंसी है वो टेररिज्म और रेडिकल एलिमेंट्स को लेके ज्यादा उनके इनपुट्स रहते हैं,
कि कौन सा ग्रुप है, कोई ऑपरेट कर रहा है, इधर कर रहा है, उसके उसके सिंपेथाइजर्स कौन से हैं, ओजीडब्ल्यूज कौन कौन से हैं, इस साइड में कौन है। इलीगल माइग्रेशन को इसके उसमें एम्बिट में चाहे होगा भी, लेकिन इसके ऊपर कभी आपको बहुत ज्यादा नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये एक मैं वही कर रहा हूं ना कि ये अभी कोई प्रायोरिटी नहीं रहा है, इसको हम